दिल्ली कमेटी की कोशिशां रंग लिया ने। दिल्ली की तिहाड़ जेल चो सत होर किसान रिहा हुए ने। पंजाब अते हरियाणा नाल संबंधित ने सारे किसान। धक्के नाल दिल्ली पुलिस ने सानू चुकिया सी। किसानां वल्लों लगातार इको गल आखी जा रही है कि वह दिल्ली हिंसा मामले विच शामिल नहीं सन, पर पुलिस वल्लों जबरी इन्हां नू चुकिया गया सी। दस दिए कि DSGMC लगातार किसानां दे हक विच केस लड़ रही है। जिस तरह दे नाल श्रोमणी अकाली दल वल्लों भी लगातार फ्री दे विच इत्थे रिहाई कराई जा रही है, जमानत कराई जा रही है ते लोकां दे नाल मुलाकात की जा रही है, किसानां दे नाल मुलाकात की जा रही है, उन्हां दे परिवारां दे नाल मुलाकात की जा रही है। जो लगातार दस दिए कि दिल्ली पुलिस दी तशद्दुद भी सह रहे सन। तो यह तस्वीरें दर्शक देख सकते हैं कि दिल्ली कमेटी की कोशिशें एक बार मुड़ तो रंग लिया ने। दिल्ली की तिहाड़ जेल चो सत होर किसान रिहा हुए ने, जिस तों बाद किसानों में खुशी पाई जा रही है। पंजाब अते हरियाणा नाल संबंधित ने सारे किसान। किसानों का कहना है कि धक्के नाल दिल्ली पुलिस ने सानू चुकिया है। लगातार दिल्ली कमेटी किसानों के हक विच केस लड़ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा सिरोपा पा के उन्होंने किसानों का सम्मान करते नजर आ रहे हैं, जो कि जेल चो रिहा हुए ने। दस दिए कि दिल्ली की तिहाड़ जेल चो सत होर किसान रिहा हुए ने। दिल्ली कमेटी वालों लगातार कोशिशा की जा रही ने, जो कि रंग लिया। अज ये साड़ी लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं हैगी, ये साड़ी लड़ाई साड़े वजूद की और साड़े होंद की लड़ाई आ। इस करके मैं देश और विदेशों बैठे लोगों को आश्वासन देना चाहना है कि भावें साढ़े लख वितकरे रहे हैं, पर जदों साढ़े वीरां दी गल आउंदी आ साडा कोई वितकरा नहीं। असीं इक होके लड़ाई लड़ांगे। अज ये आए ने, बाकी भी आउणगे। असीं सरकार नूं दसना चाहुंदे आ, तुसीं अपना जोर ला के देख लिया, असीं अपना जोर ला के देख लिया। किसे सूरत अंदर ना चुके आ, ना चुकांगे। हुण भी आए ने, बाकी नूं इसे तरह बाहर लैके आवांगे। बराड़ी ग्राउंड 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨੇਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ 24 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਸਰ, 24 ਜਣੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਰ 2400 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਜਾਂ 7 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।